सबको ओम। आज हम सब लोग देखेंगे कि भगवान के प्रति जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो हाथ जोड़ करके भगवान से विनती की जाती है, उसका क्या महत्व है और क्या प्रार्थना फलीभूत होती है, कैसे प्रार्थना किया जाए कि उसका अधिकतम फल मिले, और हमारे जीवन में सुख संतोष प्राप्त के लिए प्रार्थना क्या क्या परिवर्तन करती है। तो आप देखते हैं कि जितने भी धर्म है उन सब में प्रार्थना को बहुत आवश्यक बताया गया है, और भगवान के प्रति हम समर्पण करते हैं अपने हृदय से सच्ची श्रद्धा के साथ, भगवान के अपनी समस्याओं के लिए जब हम समर्पण करते हैं तो वही समर्पण ही प्रार्थना में बदल जाता है। प्रार्थना में अहंकार का कोई लेस नहीं होना चाहिए, और प्रार्थना भगवान को वास्तव में एक वास्तविक सत्ता मानकर की जाती है कि भगवान हमारे सुख दुख को सुनते हैं और भगवान हमारे भीतर परिवर्तन लाते हैं। अब प्रार्थना कोई ऐसी तत्व तो नहीं है, ऐसी चीज नहीं कि आज हम प्रार्थना करें और कल ही हमको प्राप्त हो जाए। प्रार्थना एक सतत हृदय के उद्गार को लगातार जब निकलती रहती है, वह प्रार्थना भगवान तक पहुंच करके हमारे भीतर परिवर्तन लाती है और हमारी समस्याओं को हल करती है। जब हम किसी समस्या से ग्रसित होते हैं, भगवान ने भगवद गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूते हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन, उसकी शरण में हमें सर्व प्रकार से एकदम नतमस्तक होकर के जाते हैं। तो प्रार्थना हमें अपने भीतर से ही हमारी समस्याओं का हल निकलता है और हम प्रार्थना से लाभान्वित होते हैं। तो वह निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना, जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वह निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना ज्यादा फलीभूत होती है। और भगवान से हम किसी उद्देश्य को मांगते हैं तो भगवान के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि प्रभु जो उत्तम हो वो हमें प्रदान करें और जो खराब हो, जो अच्छा ना हो, वो हमसे दूर कर ले। तो भगवान खुद ही चूंकि ज्यादा हम लोगों से सर्वशक्तिमान है, उनकी जो वाणी है, उनके जो सोच है, हम लोगों से सर्वोत्तम है, तो हम अपने को भगवान को समर्पित कर दें। और जब हम समर्पित कर देते हैं तो हमारे भीतर से एक प्रेम और आनंद का झरना फूटता है और हम प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। तो हम सब अपनी समस्याओं को लेकर न ढूंढें, अपनी समस्याओं को प्रभु को अर्पित कर दें और उसे कहें कि प्रभु हमें सही से परिवर्तन लाए, हमारी समस्याओं को दूर करें, तो भगवान अवश्य हम सबकी समस्याओं को दूर करेंगे। सबको